हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रिचा। आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन के आगे की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफ़ाइन करी थी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या है, हमने यहाँ पर फिनॉल लिया है। इसकी रिएक्शन हमने HNO3 कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ 323 और 333 केल्विन। तो ये हमको क्या मिला है, नाइट्रोबेंजीन हमें मिला है, नाइट्रोबेंजीन और वाटर ये हमें मिला है। तो क्या है, अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइलिस NO2 पॉजिटिव, यहाँ इसके पूरा नाइट्रेशन है। देन फोर्थ वन क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है, बेंजीन के इसमें हमने रिएक्शन करवाई है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर क्या है, एक एच यहाँ से और HCl आउटपुट में यहाँ पर हमें मिल गया है और एक Cl हमारा यहाँ बेंजीन में अटैच हो गया। तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl पॉजिटिव, ये इसका हेलोजिनेशन का है। देन फिफ्थ है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो SO3H H2 और O हमारा वाटर यहाँ पर निकल गया है और SO3H यहाँ पर इसमें अटैच हो गया है। तो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रोफाइलिस SO3 यहाँ पर। सिक्स्थ क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन, इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3 पॉजिटिव होगा। सेवन्थ क्या है, इसमें फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन, इसमें क्या बेंजीन इसके हमने CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl एनहाइड्रस। तो इसमें क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आउटपुट में यहाँ पर हमें मिला है और एसिटोफेनॉल ये वाला पूरा COCH3 यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ है। उसके बाद क्या, इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में टेक प्लेस इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग में बी सक्सेसफुली रिप्लेस बाई इलेक्ट्रोफाइल। इसमें जो भी हाइड्रोजन एटम होंगे बेंजीन के, वो इलेक्ट्रोफाइल से इसमें रिप्लेस्ड हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड क्या है, इसमें एडिशन रिएक्शंस क्या है बेंजीन की। तो फर्स्ट क्या है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेंजीन में हमने हाइड्रोजन ऐड करा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट के प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ साइक्लोहेक्सेन मिला है। इसमें हमने 3H2 ऐड करा बेंजीन में, तो साइक्लोहेक्सेन हमें मिला है। देन सेकेंड है एडिशन ऑफ क्लोरीन, 3Cl2 हमने इसमें एडिशन करा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और 500 केल्विन टेम्परेचर, ये हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड वाला पूरा हमको यहाँ पर मिला है। देन इसके बाद क्या है, कार्सिनोजेनिटी और टॉक्सिसिटी, इसमें क्या होता है। तो बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती हैं, एक साथ फ्यूज टुगेदर वो होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक। और उसको क्या होता है, कैंसर प्रोड्यूस करती है, तो इसको इसलिए उसको कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ये वाले जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे टोबैको, कोल और पेट्रोलियम, इसके कंबशन के लिए, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद क्या है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन, इसमें क्या है, बेसिकली बेंजीन रिंग में क्या है, इनकमिंग अलग अलग ग्रुप होते हैं जैसे ऑर्थो हुआ, पैरा हुआ और मेटा पोजिशन, इसमें अलग अलग पोजिशन डिफाइन होती है। OP डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग एंड दस इंक्रीज द रिएक्शन रेट, वाइल M डायरेक्टिंग ग्रुप्स बल इसके अलग अलग रिएक्शन के साथ पूरा बेंजीन में फॉर्म होता है। तो इसमें फर्स्ट है OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसमें क्या है, OH ग्रुप हमने लिया है, OH यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के भी फ्री रेडिकल्स हैं पूरे। तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस हुई है, अलग अलग OH यहाँ से एक एनायन गया है, फिर यहाँ से गया है, फिर यहाँ से, ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल का कैसे कैसे हो रहा है, ये पूरा इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसमें कैसे हुआ है, ये पूरा इसमें बताया गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो क्या फिनोल के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो टू टाइप्स की, इसकी प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड अंडर 2O and P पोजिशन, देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन इज मेनली इन दिस पोजिशन। इसमें क्या फिनोल में अलग है और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसमें क्या है, 2O और P पोजिशंस अलग अलग आए हैं। उसके बाद क्या है, NH2, NHR, NHCO, CH3, OCH3, CH3, C2H5 वाला क्या है, O and P डायरेक्टिंग एलिमेंट्स हैं इसमें। उसके बाद सेकंड क्या है, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, NO2 में अमोनिया, इसका
इसका ग्रुप ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसमें NO2 हमने यहाँ लिया है नेगेटिव, और इसकी पूरी रिएक्शन इसमें पूरी है यहाँ पर हुई है रेजोनेंट। इसका क्या है, नाइट्रोबेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर है, NO2 साइनाइड CHO aldehyde COR COOH एसिड COOR SO3 HR मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये इसमें क्या है, अलग अलग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं फोर फॉर्म में। तो ये हो जाएगी इसकी नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। उसके बाद इसमें पूरा नोट है, इनकेस ऑफ हेलो एरेंस हेलोजन्स आर डायरेक्टली डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ आई इफेक्ट बट ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ओ एंड पी पोजिशन इंक्रीज है, हेलोजन्स आर ओ पी डायरेक्टिंग। इसमें अलग अलग डायरेक्टिंग में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वाले पूरे इसमें। उसके बाद क्या है, क्लोरोबेंजीन का इसी तरह अलग है, इसके फ्री रेडिकल क्लोरीन के कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव है, देन नेगेटिव यहाँ पर इसमें पूरे इसके फॉर्म में अलग अलग इसके फॉर्म में भी ये वाला पूरा रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर इसका हुआ है। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो यहीं तक था। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।